धर्मशाला में गत दिवस आयोजित पीएम मोदी की रैली पर कांग्रेस ने चुटकी ली है और कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि रैली से लोगों को निराशा ही हाथ लगी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि रैली से प्रदेश की जनता को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने पर जनता में गहरा रोष है। कांग्रेस पार्टी ने 134वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमीरपुर के वन विभाग रेस्ट हाउस में जिला कांग्रेस ने कार्यक्रम मनाया और लड्डू बांटे। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुनील शर्मा, विवेक कटोर, सुमन भारती, मनोज शर्मा भी मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के इतिहास और नेताओं के कार्यों पर चर्चा की गई। पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का आजादी के समय से इतिहास रहा है और आज देश के लिए कांग्रेस पार्टी की बहुत देन है, जिसके बलबूते पर ही देश की तस्वीर बदली है। पठानिया ने कहा कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस की सरकारों ने बुलंदियों पर पहुंचाया है। ये जो आज ढाई दिसंबर हमारा जो स्थापना दिवस है, ये उन लोगों की सोच है, उन महान नेताओं का एक आदर्श है कि जिन्होंने कभी उस सल्तनत के खिलाफ एक मुहिम शुरू की थी जिसका सूरज नहीं छुपता था। मात्र उस वक्त पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक कंट्री होता था, उसमें से 72 आदमियों ने तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में शुरू किया था इसका कांग्रेस का स्थापना दिवस मना के, और उससे बहुत बड़ी जन आंदोलन करके, बहुत कुर्बानियां दे के, अत्याचार सहते हुए 1947 को देश आजाद हुआ। आज जो देश की तस्वीर है, जिसमें आज की पीढ़ी और कल की पीढ़ी जो आज अपने सुख सुविधा और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में और स्पेस में जाने का भी एक जो आज हिंदुस्तान ने एक आयाम स्थापित किए हैं, इस सारे का सारा श्रेय उन महान नेताओं को जाता है जिनकी सोच आज फलीभूत होके इस भारतवर्ष की धरती पे, इस भारतवर्ष की जनता जो उसका पूरा भरपूर फायदा उठा रही है। पठानिया ने धर्मशाला में पीएम मोदी के दौरे पर चुटकी लेते हुए कहा कि धर्मशाला दौरे से पूरे प्रदेश को उम्मीदें थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कोई घोषणा तक नहीं हुई और सरकार के कर्जों तक को माफ करने की बात नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस रैली में बिना वजह से लोगों को इकट्ठा करके ले जाया गया था। ये सब धर्मशाला में आए हैं, लोगों को आशा थी, कांग्रेस को भी एक आशा थी कि जो पिछले हमारे देश प्रदेश में कोई सौगात देते और ना और देते तो कम से कम जो हमारे ऊपर 45,000 करोड़ का कर्जा था उसकी कुछ घोषणा करते। अगर उसको भी नहीं करते तो लगभग जो एक साल में बीजेपी की सरकार ने 3,500 करोड़ का कर्जा लिया उसको ही माफ करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ जुमलों की बात हुई जो 4.5 साल पहले जुमले थे, और आज भी उन जुमलों पे बात हुई, चाहे रेलवे की बात की चाहे दूसरी कोई बात की, उसमें जमीनी हकीकत में कोई काम नहीं है। और उन लोगों को इकट्ठा किया है जिनको उन्होंने कहीं किसी ने पैसे दिए, किसी को पेंशन लगी है, किसी को एक रूटीन है जो कांग्रेस के टाइम की बनी हुई स्कीमों का जो आज आगे चल रही है उनके ऊपर जो उन लोगों को जाके घर घर जाके इकट्ठा करके भेजा हुआ था, और माननीय प्रधानमंत्री ने हिमाचल से लोगों के साथ छल किया, और हिमाचल की सरकार ने इतना बड़ा दिवस मनाते हुए उसमें कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं घोषित हुआ, ना कोई सौगात मिली, सिर्फ जुमलों की एक जुमले ही प्राप्त हुए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का 134वां स्थापना दिवस मनाया गया और कांग्रेस ने पूरे देश में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में चुनावों के लिए एकजुट होकर काम करेगी ताकि लोकसभा की चारों सीटों पर जीत हासिल की जा सके। साथ ही नरेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में कोई भी आर्थिक पैकेज या घोषणा नहीं की गई है, जिससे लोगों के हाथ निराशा ही लगी है। जो हमारे कांग्रेस का 134वां स्थापना दिवस मनाया गया, इस कांग्रेस के स्थापना दिवस पर मैं सभी जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को, जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत सारे शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले कल में कांग्रेस जो है वो मजबूती के साथ आगे बढ़े और आने वाले जो लोकसभा के चुनाव है उसमें कांग्रेस की जीत जो सुनिश्चित हो। आने वाले कल में जिला कांग्रेस कमेटी जो है वो और ज्यादा मजबूती के साथ काम करेगी और संगठन को बूथ स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक मजबूत करने के लिए सभी पदाधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं, और
आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कांग्रेस जो है वो हमीरपुर जिला के अंदर नहीं परंतु पूरे प्रदेश के अंदर आज जिस तरह से ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूती के साथ काम कर रही है, चारों की चारों जो लोकसभा की सीटें हैं वो कांग्रेस अपनी जीत उनमें सुनिश्चित करेगी और आने वाले कल में 2019 के लोकसभा चुनावों में इस देश में जो है वो कांग्रेस का शासन कांग्रेस शासन।